जम्मू कश्मीर में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि अगर बस में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की बात करें, वो ना लगवाने या फिर उसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करें तो आप पर सख्त कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि इसी तरह का मामला साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पर नाका लगाकर तमाम बस की बात करें तो वहां पर उनके डिवाइस स्पीड डिवाइसिंग सिस्टम जो है वो चेक किए गए और तमाम छेड़छाड़ की हुई थी, इस पर भी जो है सख्त कार्रवाई जो है वो आज साफ तौर पर देखने को मिली। तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की बात करें तो वो लगवाने या फिर उस डिवाइस के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उस पर आपको खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसी तरह का वाकया आज जम्मू पठानकोट हाईवे पे बात करें तो सांभा में जो है एआरटीओ द्वारा रिहाना तबसुम की बात करें तो उनकी टीम की तरफ से एक नाका लगाकर 24 बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया और बसों की नए सिरे से जांच करने के भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया, और इस दौरान कई अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भी चालकों के चालान जो है वो काटे गए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस से छेड़छाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टर बसों में सवार लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें सामने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह लगातार बाकी लोगों की जिंदगी भी जो है जोखिम में जाती है। तो ऐसे में अगर आप बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं या डिवाइस नहीं लगाते हैं तो आप पर अब तक कार्रवाई होगी, क्योंकि जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांभा के नजदीक आज वहां पर नाका लगाकर तकरीबन 24 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है और उन्हें नए सिरे से जांच करने के नोटिस जो है वो साफ तौर पर उन्हें जारी कर दिया गया है। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत अहम है जाना कि किस तरह से सख्त कार्रवाई जो है लोगों के खिलाफ की जा रही है, और इनफैक्ट की कोई भी यातायात पर उल्लंघन करते हुए वहां पर नजर आया उन पर भी प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई जो है वो आज साफ तौर पर लिए ये आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी बसों में भी इस तरह स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के साथ छेड़छाड़ या कोई भी इस तरह का कारनामा हो रहा है तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आज पठानकोट नेशनल हाईवे पर इसी तरह का वाक्य जो है साफ तौर पर सामने आया, जहां पर सख्त की गई है, जहां पर इस तरह के वाक्य जो है पेश आए। तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचानी थी, जहां पर बसेस की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, खासतौर पर बस पर जहां पर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के साथ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आप तमाम सवारियों की बात करें जो बस पे सवार होती है उनकी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से आज सख्त कार्रवाई की गई और लगभग 24 बसों को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें सांभा के नजदीक नाका लगाकर उन तमाम बसों के फिटनेस रद्द सर्टिफिकेट्स जो है फिटनेस उन्हें रद्द कर दिया गया और नए सिरे से उन्हें जो है एक बार फिर से जांच करने के लिए नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।